अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। हैदराबाद की बे इंतहा खूबसूरत जामे मस्जिद चौक, जो मक्का मस्जिद के बिल्कुल करीब में है, हैदराबाद का कदीम मोहल्ला है शाहगंज, वहाँ पर यह मस्जिद है। बहुत ऊंचे मुकाम पर एक चबूतरे पर इस मस्जिद को तामीर किया गया था 1817 में। इस मस्जिद के रूबरू चमन है, जिसमें एक क्लॉक टावर है जिसके चारों तरफ घड़ियाल है। इस मस्जिद की तफसीलात इस तरह है। सैयद उनीसा बेगम साहिबा ने अपने महर की रकम से 1817 में इस मस्जिद को तामीर करवाया था। आपके शौहर हज़रत ख्वाजा नूरुल्ला खान रफाई साहब थे। उन्होंने अपने निके के मौके पर नकद रकम अपनी अहलिया को दिया था। उस रकम से, जो महर की रकम होती है, उस रकम से इस मस्जिद की तामीर की गई। बे इंतहा बड़ी मस्जिद है। मक्का मस्जिद के बाद इसी मस्जिद का नाम आता है और तकरीबन 2 से 2500 गज़ पर यह मस्जिद है। इसकी मस्जिद के अतराफ में मस्जिद के 88 मलगियां हैं, ताकि ये सोच कर मलगियां बनाई गई थी कि मस्जिद किसी की मोहताज ना रहे, मलगियों को किराए पर दिया जाए और उस रकम से मस्जिद का मेंटेनेंस किया जाए, और ये सिलसिला आज भी जारी है। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी इसकी ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, हम पूरे हैदराबाद का से बिल्कुल हैदराबाद के लोग वाकिफ़ ही नहीं हैं, हम पूरे मुल्क का, दुनिया का सफ़र करते हैं कि भाई तारीख़ी मुकामात का जाकर जायज़ा लें और अपने छुट्टियाँ गुजारें, लेकिन मैं चाहूँगा कि चौक की मस्जिद में एक मरतबा जाकर नमाज़ पढ़ें। जुमे की नमाज़ वहाँ पर 1:15 को अदा की जाती है, जो चार मीनार से बिल्कुल करीब में है। इस मस्जिद में जाकर अपने बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ें, और देखने से ताल्लुक़ रखती है मस्जिद, और हैदराबाद के बे इंतहा खूबसूरत मस्जिदों में इसका शुमार होता है। वफ गज़ीट में इसके तमाम तफसीलात इस तरह है। वफ गज़ीट के पेज नंबर 249 पर और गज़ीट की पेज नंबर 508 पर, सीरियल नंबर 3411 पर इस मस्जिद का तमाम वक्फ रिकॉर्ड महफूज है। जामे मस्जिद चौक, अल्लाह की रहमत हो इस खूबसूरत मस्जिद को बनाने वालों पर, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। Thank you.
हम्म।